हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये प्यारा सा ड्रीम कैचर, जो कि मैंने पूरे कलर पेपर से ही बनाया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कार्डबोर्ड और मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया है। बड़ा वाला जो सर्कल है वो है 9 सेंटीमीटर और छोटा वाला है 4.5 सेंटीमीटर डायमीटर का। तो इसको आपको कटआउट कर लेना है। यहाँ पे मैंने सारे सर्कल्स को कटआउट कर लिए हैं। इसके बाद इसको हम रैप करेंगे। कोई भी कलर पेपर आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हमारा जो चारों सर्कल था उसको हम पहले रैप कर लेंगे। हमारा सर्कल रैप हो गया है। अब हम यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है, इसको मैं कटआउट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने दो पेपर लिए हैं, एक ऑरेंज कलर का है और एक येलो कलर का। उसको भी हमें पतली पतली काटनी है पहले, और उसको एक साइड से स्टिक कर देंगे। येलो वाले के साथ भी सेम हमें प्रोसेस करना है। अब दोनों को एक साथ स्टिक कर लेंगे। ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। अब हम कुछ लीव्स बनाएंगे। तो अब हम इसको डेकोरेट करते हैं जो हमारा सर्कल था। इसमें फ्लावर्स को टॉप में स्टिक कर दूंगी और साइड साइड में जो है लीव्स को मैं लगाऊंगी। अब हम बना लेते हैं पेपर फेदर। उसको पहले लीव के शेप में काटना है, फिर उसको हम स्टिक कर लेंगे एक थ्रेड के साथ। एकदम पतली पतली कट लगानी है आपको। मैं यहाँ एक ऑरेंज बॉल का यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसको बैक में जो हमारा सर्कल था उसके साथ स्टिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो है ड्रीम कैचर तैयार हो गया है। था ना सिंपल? अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।